जा यार, रिया को विश कर दे। तब से अकेला बैठा हुआ है और तू केक कटिंग में भी नहीं आया। नहीं यार, मुझसे नहीं हो पाएगा। यार ऐसे ही रहा ना, तेरे पापा ना तेरी शादी करा देंगे। फिर मत कहना मेरी कोई लव स्टोरी नहीं है। मेरी हिम्मत ही नहीं होती है यार, क्या करूं मैं। अब इस बात की तो मेरे पास कोई दवा नहीं है, हिम्मत तो तुझे जुटानी होगी। और ये व्हाइट शर्ट ना पहनना बंद कर दे, जब भी तुझे देखता हूँ ना ब्लैक एंड व्हाइट टीवी नजर आ जाती है। हाय हरी, तुम फिश नहीं करोगे मुझे? मत हरिया, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। नेक्स्ट सैटरडे हम सब क्लब जा रहे हैं, माय बर्थडे ट्रीट, तुम आओगे ना? क्या हुआ, आओगे ना तुम? बस एक शर्त है, क्लब में स्टैग एंट्री इज नॉट अलाउड, यू मस्ट गेट अ पार्टनर विद यू। गर्लफ्रेंड तो होगी ना तुम्हारी? अरे इस लूजर से कौन प्यार करेगा? शट अप ऑल ऑफ यू गाइस। ओके हरी, और इनविटेशन तुम्हारे लिए भी है। सी यू बोथ ऑफ यू नेक्स्ट सैटरडे, मिलते हैं। हाय, इनविटेशन, यही मौका है, मार दे चौक। यार बाद में बात करते हैं। क्या हुआ, बड़ी परेशान हो? क्या होगा, मैं सुबह से फाइंड योर सोलमेट ऐप पे 25 प्रोफाइल बना चुकी हूँ, कभी अनीता के नाम से, कभी अलीशा के नाम से, कभी सिमरन के नाम से, लेकिन अभी तक कोई बकरा नहीं फंसा। मुझे तो टेंशन हो रही है कि अगर ऐसा ही चला ना तो हम इस महीने भी रूम का रेंट नहीं दे पाएंगे। सब्र रख मेरी रानी, सब्र का फल मीठा होता है। क्यों है, मुझे यहाँ टेंशन हो रही है और तुम्हें रोमांस की पड़ी है। कहाँ रह गया आपका लाड़ला, रोज तो 8:30 बजे आ जाता था, अभी देखो कितना बज रहा है। आ जाएगा, आप तो जानते ही है ना आजकल ट्रैफिक कितना बढ़ गया है। ओह, तो आप घर बैठे बैठे सारी जगह घुमाई, कमाल है भाई, क्या बात। आप और आपके बेटे में क्या खिचड़ी पक रही है ना, मुझे सब पता है। और अपने बेटे का नाक सपोर्ट करना बंद कीजिए, नहीं किसी दिन वो मुश्किल में पड़ेगा और हम सबको भी फंसाएगा। आज तो मैं उसकी ना, अरे आ गया तू, मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। कितना बज रहा है, रोज तो 8:30 बजे आ जाते थे। पाओजी वो आज बस में भीड़ बहुत थी, मैं चढ़ नहीं पाया। चलो अपनी इस माँ की सैलरी हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करो, और हाँ तुम्हारे खर्चे का पैसा मैंने टेबल पर रख दिया, ले लेना। कर देगा ना, अभी अभी तो आया है, थोड़ा सांस ले लेने दिया करो बच्चे को। चलिए जाइए, आप जाइए, मैंने कहा। हेलो,
कर दिया बाबूजी। चलो जाओ। हरी। हाँ माँ। ये दूध लाई हूँ तेरे लिए। ठीक है मैं रख दू। ये तो आज आंगन में क्यों सो रहा है? माँ मेरे कमरे का पंखा सही से नहीं चल रहा है इसलिए मैं यहाँ सो रहा हूँ। आप बैठिए ना, बैठिए इधर बैठिए ना। लाओ मैं आपके पैर दबा देता हूँ। ये अचानक इतना प्यार क्यों? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। बता बता क्या छुपा रहा है? माँ जब आप ये माइंड रीड करती हो ना मुझे बहुत डर लगता है। आपसे कुछ भी नहीं छुपता ना। हाँ तो तू छुपाने की कोशिश क्यों करता है? अच्छा माँ ये बताइए, आपने बाबूजी से शादी प्यार के लिए की या फिर आपको बाद में प्यार हो गया? ये क्या अटपटा सवाल है? तू ठीक तो है ना? माँ मैं ठीक हूँ, अब बताइए ना। बेटा हमारे बाबूजी ने तो हमें सोचने का मौका ही नहीं दिया, 18 साल के हुए नहीं कि ब्याह करा दिया। और तू अपने बाबूजी को तो अच्छे से जानता है, पता ही नहीं चलता कि प्यार करते हैं गुस्सा। माँ लेकिन मैं तो लव मैरिज करूंगा, प्यार के लिए शादी करूंगा मैं। हरी हम सपने देखना छोड़ दे, तेरे बाबूजी लड़कियां देख रहे हैं तेरे लिए। अरे भला चाहते हैं वो तेरा। क्या भलाई चाहते हैं माँ बाबूजी मेरी? अरे सांस लेने के लिए परमिशन तक तो उनसे लेनी पड़ती है मुझे। मेरी लाइफ का रिमोट कंट्रोल है बाबूजी। जब वो बटन दबाते हैं तो मैं नाचता हूँ, फिर से बटन दबाते हैं तो मेरा चैनल बदलता रहता है। बेटा अपने बाबूजी पर विश्वास रख। माँ थक गया हूँ, मुझे सोना है, मुझे जल्दी उठना है, सुबह ऑफिस जाना है। ये सही है, तुम बाप बेटे दोनों के बीच में सुनना हमेशा मुझे ही पड़ता है। एक सिगरेट का धुआं नहीं झेल सकता है और चला है आशिकी करने। अबे क्या यार? यार बाबूजी मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं और तुझे मजाक सूझ रहा है, दोस्तों के भी किसी काम का नहीं तू। अरे तू मना कर दे, जबरदस्ती थोड़ी ना कर सकते हैं, तू बच्चा नहीं रहा है अभी। क्या यार तू भी? बाबूजी से मिला है ना तू, हटती है मेरी। अच्छा मेरी बात मानेगा? गर्लफ्रेंड बनाने के बहुत सारे ऑप्शन है। अच्छा डेटिंग ऐप के बारे में सुना है? हाँ यार एक सलाह चाहिए थी, ये जो ऐप है ना। एक सेकंड फोन आ रहा है। हेलो यार। हाय बेब कैसे हो? हाँ बस निकल ही गया हूँ, बस दो मिनट में आता हूँ। अच्छा सर मैं निकलता हूँ, आज मैं डेट पे जा रहा हूँ। समझ जा तेरी भाभी मिल गई। अरे मेरी तो सुन ले बात। चल ना मिलता हूँ। अरे लेकिन चल क्या लगा? अरे आयुष सुन तो यार भाई। रजिस्टर करने के लिए पैसे भरने पड़ेंगे। रजिस्टर फंसा, किसी ने रजिस्टर किया है, तेरी प्रोफाइल पे जाके क्लिक किया है। अलीशा अब तेरी बारी है, इस मछली को अपने पास लेकर आना है। क्या बात है स्वाति, अच्छी है ये। मेरी कौन सी प्रोफाइल पे क्लिक किया है नाम बताओ। ओ, कितना भूला भाला लग रहा है, सो क्यूट। अलीशा टाइम वेस्ट मत कर, काम पे लग जा। मेरी कौन सी आईडी पे क्लिक की है? स्वाति। ठीक है। सी यहाँ पे कॉल का ऑप्शन है, अब कॉल करता हूँ। कॉल करने के लिए भी पैसे भरने पड़ेंगे। चलो भर ही लेता हूँ 2000। हेलो। हाय हरी जी, थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन माय प्रोफाइल। थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए, आपने एक्सेप्ट जो किया। चलो ठीक है,
एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम स्वाति है और आपको मेरा प्रोफाइल पसंद आया, तो क्या आप मेरे साथ फ्रेंडशिप करना चाहोगे? अरे इसमें पूछने की क्या बात है, वी आर ऑलरेडी फ्रेंड्स। करेक्ट, लेकिन डू यू वॉन्ट टू बी माई स्पेशल फ्रेंड? यस श्योर। उठ गए राजकुमार, आपके लिए फल शरबत दूध मंगवा जाए। अरे उठो, वापस नहीं जाना। तुम्हारे लिए मैंने कुछ रिश्ते देखे, कुछ लड़कियों के फोटोग्राफ मैंने तुम्हारी माँ के पास छोड़े, उनमें जो लड़की का फोटो पसंद हो अपनी माँ को बता देना, ठीक है? मुझे अरेंज मैरिज नहीं करनी है। क्या बोला? जोर से बोल, गले में मेंढक बैठा है क्या? बाबूजी मुझे अरेंज मैरिज नहीं करनी है। तुम बिल्कुल वैसा ही करोगे जैसा हम चाहते हैं। जब तक तुम बाप नहीं बन जाते तुम खुद के कोई भी निर्णय लेने के लायक नहीं हो, और तुम हमारी जिम्मेदारी हो। क्या हुआ हरी जी? Don't be angry. खुस्ता थूको और ऑफिस जाओ। भाई आज भाई सूरज कौन सी दिशा से मिला है? उसी से जिससे रोज निकलता है। ब्लैक एंड व्हाइट से सीधे कलर पे? वैसे इसकी कोई खास वजह या फिर भाई मिल गए? बताता हूँ जल्द बताता हूँ। ठीक है। ऐसे कब तक हम लोग कॉल पे बात करते रहेंगे? मैं देखना चाहता हूँ। ओह, सो स्वीट। तुमने कॉल का ऑप्शन चूज किया है, तुम वीडियो कॉल का ऑप्शन चूज करो ना। ये क्या है, तुमसे बात करने के लिए तुम्हें देखने के लिए भी मुझे पैसे भरने पड़ते हैं। ये डेटिंग ऐप मुझे ठीक नहीं लग रहा है। हरी जी अगर कुछ अच्छे की तलाश में हो तो उसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ती है। तो क्या सोच रहे हो, वीडियो कॉल करोगे? और वैसे भी फोटो में तो सब अलग लगते हैं, चलो ना वीडियो कॉल करते हैं। लेकिन क्या सोच रहे हो? ठीक है मैं वीडियो कॉल का ऑप्शन सेलेक्ट करके पेमेंट करता हूँ। ओके, जैसे ही पेमेंट हो जाएगी मैं कॉल कर लूंगी। तू रेडी है? महीनों से। ये हमारी लॉटरी टिकट हो सकती है। ये लॉटरी तो मैं ही जीत के रहूंगी।
अब अलीशा बन गई सौथी। Ready? Yes. It's time to have some fun. Yeah. All the best. हरी जी, आप तो काफी हैंडसम हो, ऐसे ही शर्मा रहे थे। आप भी बहुत खूबसूरत हो स्वाति जी। थैंक यू हरी जी। अच्छा, आप मच्छरदानी के अंदर बैठे? हाँ, वो मेरे कमरे का फैन सही से नहीं चल रहा ना, इसलिए मैं आंगन में लेटा हूँ। खुले आसमान के नीचे? हाँ स्वाति जी, खुले आसमान के नीचे। वाओ, सो रोमांटिक। थोड़ा थोड़ा धीमे बात करनी होगी हमें। असल में स्वाति जी, मेरे माँ और बाबूजी ना बगल वाले कमरे में ही सो रहे हैं। सॉरी हरी जी, आपने बताया उनको मेरे बारे में? अरे कैसे बताऊँ, मेरे बाबूजी ना बहुत स्ट्रिक्ट हैं। मेरी सैलरी के सारे पैसे तक तो वही रख लेते हैं, मेरी जबरदस्ती शादी भी करवा रहे हैं। ये कैसा लूजर है। क्या हुआ स्वाति जी, आपने कुछ कहा? नहीं नहीं, ओ सैलरी के पैसे रख लेते हैं। हरी जी, अब आप बच्चे तो नहीं रहे ना, आपको अपने अंदर की आवाज को ढूंढना होगा, अपने दिल को टटोलिए। आप ही बताइए, आप कब तक ऐसे बाबूजी को मनमानी करने देंगे? मेहनत करें आप और पैसे ले जाएं बाबूजी, ये क्या बात हुई? अरे चलो चलो, बाय बाय, मम्मी आ गई। हाँ माँ। किससे बात कर रहा था? माँ ऑफिस से कॉल था, आयुष का, एक जरूरी मीटिंग है। कितना काम करेगा? हाँ अब दूध पी और चुपचाप सो जा। और सुन, कल सुबह तेरे रूम का फैन बन जाएगा, इलेक्ट्रिशियन को बुला लिए। ठीक है माँ, आप मेरा कितना ख्याल रखती हो। चल ठीक है ठीक है, अब मोबाइल को साइड में रख के और सो जा। हाँ सोता हूँ। कट कर दिया जाए। ऐसा भी तो कैसा लूजर निकला ये, अपने बाप को सैलरी कौन देता है? अलीशा, मैं तुमसे फिर से कह रहा हूँ, कुछ नहीं मिलने वाला यहाँ पर, सिर्फ टाइम वेस्ट कर रही हो तू। जय, ये फर्स्ट टाइम वीडियो कॉल था ना, एक बार और करके देखते। वैसे भी ये पहला बकरा है जो फंसा है, और मुझे लगता है ना कि ये हरी जी हमारे प्लान को सक्सेसफुल बनाने में बहुत मदद करेंगे। बस और सिर्फ एक बार, अब सब तेरे ऊपर है। जब मैंने तुमसे कहा था कि चार लड़कियों में से एक लड़की को पसंद कर लो, तब तो तुमने कोई लड़की पसंद नहीं की, और जब हमने ये लड़की पसंद कर ली तो तुमको शादी नहीं करनी। मुझे अरेंज मैरिज नहीं करनी है, मुझे अपनी पसंद की लड़की से ही शादी करनी है। शक्ल देखी अपनी आईने में, और ये रंगीले कपड़े पहनकर तुम ऑफिस जा रहे हो? कितने पैसे खर्च किए तुमने इन कपड़ों पे? पूरे जोकर दिख रहे हो, जोकर। और चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में, क्या चल रहा है मैं पूछ रहा हूँ। हरी, क्या कर रहा है तू? हाँ बाबूजी की बात मान क्यों नहीं लेता? अरे जहाँ कह रहे हैं हाँ कर देना। आपसे मुझे यही उम्मीद थी, नानू ने जहाँ कहा आपने शादी कर ली। क्या ये प्यार करते हैं आपसे, या आप इनसे प्यार करती हो? मैंने तो कभी नहीं देखा आप दूसरों को एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हुए। बहुत बोलने लगा है तू। पूरा एपिसोड देखने के लिए देखिए हॉटस्पॉट, सिर्फ अतरंगी टीवी और अतरंगी ऐप पर, अब डीडी फ्री डिश पर चैनल नंबर 74 पर उपलब्ध।